अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा मौजू एसआर का जज्बा पार्ट थर्ड पेज नंबर 52। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया, बीमारी ने इस तरह आंध पहुँचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद माज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टर ने मायना करने के बाद इसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो वो वक्त की रोटी भी मैसर न थी, गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही जाने किधर निकल चुके थे। अब एक शिबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने कफारा हो गया, तलाफी बदला तो अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अब अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल था कि अब रह रहकर परेशान कर रहा है कि इन्हें जेन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था। कहते हैं कि अब क्या हो गया, जब मुसीबत आती है तो बार बार आती है, एक ही बार नहीं आती। तो उनकी दौलत क्या गई, तो अब अदनान को क्या हो गया था, बीमारियों ने भी ऐसा दबोच लिया कि जब डॉक्टर ने मायना किया तो उसने कहा कि इसके दोनों गुर्दे ख़राब हैं। अब अगर इसे ज़िंदा रहने की इसकी एक ही उम्मीद बाकी है कि इसका एक गुर्दा इसको एक गुर्दा तब्दील किया जाए। मगर अब उनकी ऐसी हालत थी, उनका दिवालिया निकल गया था, तो वो कैसे उनको दो वक्त की रोटी मैसर नहीं थी तो वो गुर्दा कहाँ से खरीदते, कहाँ से इसकी कीमत अदा कर सकते थे। बेटे अपने बाप की ये कंगाल हालत देखकर वो आवारा बेटे पहले ही कहीं निकल गए। अब बची थी शीबा उसकी बीवी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा कर रही थी। गलतियों का कफारा वो क्यों अदा कर रही थी उसकी, क्योंकि उसने अदनान के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की थी। तो उस उन दोनों की समझ में ये तो आ गया था कि हम नाइंसाफ़ी उस जैन के साथ की गई नाइंसाफ़ी की ये हमें सज़ा मिल रही है, मगर आप क्या करते, आप तो पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं था। जैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम ना था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचता गया। वो अपने शहर से बाहर दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजम हो गया और अपनी अनथकन मेहनत के ज़रिए तरक्की करता रहा। 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया और वो अब एक राइस घराने का दामाद भी था। कहते हैं कि जैन जब घर से उनके रवैये से तंग आकर निकला तो उसे कुछ पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, मगर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा उसकी मंजिल की तरफ खींचा कि जब वो शहर से दूर एक फैक्ट्री में मुलाजम हुआ तो उसने मेहनत की, वहाँ पर वो क्या बन गया, एक मैनेजर, जनरल मैनेजर बन गया और एक रईस ख़ानदान का दामाद भी बन गया। एक दिन वो अपनी कोठी की लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी जिसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए गुर्दा अतिया के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपये खर्च करके भी ढंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, भला अतिया के तौर पर उसे गुर्दा कौन देता। जैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। कहते हैं कि जैन एक दिन अपनी को उस बंगले में कोठी में बैठा था, लान में बैठा था, तो अखबार पढ़ रहा था। उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी, क्या इश्तहार था, उसने अपने बाप के बारे में पढ़ा कि उसे एक गुर्दे की ज़रूरत है। तो जैसे ही उसने ये पढ़ा तो उसे क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी को बगैर बताए वो घर से निकल गया और अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर उनकी तरफ रवाना हो गया। दूसरी सुबह वो अदनान और शिबा के सामने मौजूद था। बाप की हालत देखकर जैन देर तक उसके हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियाँ बरता रहा, सिसकियों के रोता रहा बहुत देर तक। उसने दूसरे दिन वो अपने माँ बाप अदनान और शिबा के पास पहुँच गया और उनकी ये हालत देखकर वो उनका हाथ पकड़कर बहुत रोता रहा, माँ के गले भी लगा और बहुत ज़्यादा रोने लगा। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे उस ज़माने में सब कुछ दिया था जो उसे उस वक़्त कोई देने वाला ना था। और इसे वही ज़माना याद आ गया कि जब उसे कुछ भी नहीं था, उस ज़माने में जब उन्हें उसे
उस वक़्त कोई देने वाला नहीं था, तो उन लोगों ने इसकी मदद की थी, सब कुछ दिया था, तो उसे वो वक़्त याद आ गया। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, पुरानी यादों ने उसे नडाल कर दिया, थका दिया था। वो दो शख्सियतें जिन्हें वो हमेशा पूछता रहता था, अब मांस हड्डियों के ढांचों की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। कुछ देर बाद उसने ख़ुद को संभाला, फिर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा। कहते हैं कि वो शख्सियतें कौन थी, वो उसके माँ बाप अदनान और शीबा थे, जिन्हें वो पूछता रहता था, प्यार करता था। अब वो क्या थे, एक हड्डियों के ढांचे बन गए थे, वो इतने कमज़ोर हो गए थे, बीमार थे, उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अब क्या बन गए थे, हड्डियों का ढांचा। तो उसने कुछ देर रो धो के अपना आप संभाला, फिर डॉक्टरों से मशवरा करने के लिए निकल गया। कौन? ज़ैन। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। ज़ैन ने अपने एक गुर्दा बाप की नज़र करके उसकी जान बचाई। वो चाहता तो दौलत के बलबोते पर एक गुर्दा किसी से हासिल कर सकता था, लेकिन एक तो अदनान की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि एक दिन का इंतज़ार करना भी हतरे से हाली ना था, और दूसरे वो इस आदत को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कहते हैं कि दूसरे दिन अदनान का जब ऑपरेशन हुआ, तो ज़ैन ने अपना एक गुर्दा अपने बाप को दिया। तो वो चाहता तो उस टाइम इतना दौलतमंद था, वो दौलत से भी वो गुर्दा ख़रीद सकता था। एक तो उसके बाप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे, और दूसरा उसने अपनी खुशकिस्मती समझी कि मैं आप उनके अपने माँ बाप का मतलब मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अगर अपने बाप को एक गुर्दा दूँगा या उनकी मदद करूँगा। सेहत याब होने पर वो उन दोनों को अपने साथ ले आया, और उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी, अचानक अपने सास ससुर को घर में पाकर बाग बाग हो गई। ज़ैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राय रास्त पर लगा दिया, अपने रसूख से अपने अच्छे ओहदों पर मामूर कराया, और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। कहते हैं जब उसका बाप सेहत याब हो गया, तो उसने उन दोनों बाप माँ बाप को अपने घर में लाया। उसकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, उसने अचानक जब अपने सास ससुर को देखा तो बहुत खुश हुई। फिर उसने क्या, ज़ैन ने क्या किया, अपने दो छोटे भाइयों को भी ढूंढा और उन्हें सीधे रास्ते पर लगाया, और अपने असर असूख से उनको अच्छे ओहदों पर क्या किया, मामूर करवाया, मकरा करवाया ओहदों पर। तो अब सब लोग क्या करने लगे, सब भाई बहन सब खुशी हंसी खुशी रहने लगे घर में। तो ये थी हमारे एहसार का जज्बा, ये कहानी। तो इससे क्या हमें सबक मिलता है बच्चों, कि हमें क्या करना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ करना चाहिए, तो किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हर एक से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अच्छा, खुदा हाफिज़।